ियन सेक्शन दोनों में कम्प्लीकेशन हो सकती हैं एंड ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी में कम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं बट सीरियन सेक्शन में टोटली सेफ नहीं होते सो लेट्स एट द मेटर एंड फीटल कम्प्लिकेशन इन सीजेरियन सेक्शन एंड वेजाइनल ब्रीज डिलीवरी सो इफ हम मैटरनल प्रॉब्लम को देखें तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ स्कार हो सकता है और नीड ऑफ इन्वर्टेड टी इंसीजन भी हो सकते हैं इसका मतलब क्या है नीड ऑफ इन्वर्टेड टी इंसीजन यू नो दैट कि जब भी हम सीजन सेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं लोअर सेगमेंट में करते हैं एंड इस छोटे से लोअर सेगमेंट में जो इंसीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं लो ट्रांसवर्स इंसीजन भी कहते हैं इससे बेबी सिफैली या ब्रिज निकाल दिया जाता है बट ब्रिज को पकड़ने में कई बार थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है एंड लेग्स जो है ना बेबी की वो कभी कभी फंस जाती है तो हमें इस इंसिजन को लेटरली थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है तो जब लेटरली हम इंक्रीज करेंगे ना तो यूट्राइन आर्टरीज आ जाती हैं बीच में एंड यूट्राइन आर्टरीज इफ़ कट गई तो क्या होगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है एंड कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन आता है ना कि उसी टाइम में हिस्टेक्टोमी करके यूट्रस को भी बाहर निकालना पड़ता है सो so, कभी कभी हम इस इंसीजन को यूट्राइन आर्टरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको लेटरली नहीं बढ़ा के इस इंसीजन को ऊपर की तरफ वर्टिकली इंक्रीज कर देते हैं ओके okay? ताकि और स्पेस मिल जाए सो so, ये कैसा दिख रहा है आपको इन्वर्टेड शेप तो ये इन्वर्टेड शेप इंसीजन बन जाता है तो इस यूट्रस को अब हम स्टीचेज से तो सेव कर सकते हैं बट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये यूट्रस जिसमें इतने इंसीजन हैं इसका रप्चर होने का चांस बहुत हो जाता है ओके लेवर के टाइम में सो so, इसका नेक्स्ट टाइम सीजेरियन ही करना पड़ेगा इफ़ ये प्रेगनेंसी के साथ में आती है तो इसमें वेजाइनल बर्थ आफ्टर सीजरियन का टाल नहीं दे सकते हैं ना उसी वेजाइनल डिलीवरी में सर्वाइकल हो सकते हैं यूट्राइन रप्चर हो सकता है एंड ईपीसीटोमी का एक्सटेंशन भी हो सकता है सी कई बार क्या होता है ना कि ब्रिज डिलीवरी के लिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है बीच विजाइनर डिलीवरी के लिए तो हम क्या करते हैं कि एपिसिटोमिक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कभी कभी एपिसिटोमिक दोनों तरफ करनी पड़ती है आप यहाँ पे देख सकते हो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है ये कभी कभी अगर स्पेस नहीं होता है दोनों तरफ करते हैं या फिर कभी ये पोस्टीरियरली ये इंसीज़न भी दिया जाता है ओके okay? सो so, जब हम एपिसिटोमिक को इंक्रीज करते हैं ना तो ये कभी कभी इतनी बढ़ जाती है ना ये कि ये एक छोटा सा इंसीजन ये एसीोरेक्टल फोसा तक चले जाते हैं एंड एपिसोटोमी का डायरेक्ट जो पोस्टीरियर एक्सटेंशन हो जाए तो क्या होता है कंप्लीट पेरिनियल टीयर भी हो सकता है सो so, ये जो एक्सटेंशन ऑफ इपिसटोमी है एंड कंप्लीट पेरिनियल टीयर है तो इससे क्या हो सकता है इससे होता है इन्फेक्शन ओके एंड इन्फेक्शन बढ़ जाएगा बिकॉज ये एन से और एनस का और वेजाइना का दोनों का जो रूट है ना वो एनस के जो फीकल मैटर है ना उससे इन्फेक्शन हो जाता है ओके एंड ब्रीज या सीजेरियन डिलीवरी में पीपीएच के चांसेस भी इंक्रीज करते हैं एंड कॉर्ड प्रोलैप्स भी सिफैलिक प्रजेंटेशन से ज़्यादा ब्रीच में देखने को मिलता है सी यू नो दैट फीटस में वेजाइनल ब्रीज डिलीवरी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फ्रैक इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगा फ्रैक्चर ऑफ यूमरस हो सकता है क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है फीमर ओके okay? तो ये सारे जो हैं फ्रैक्चर्स वो वेजाइनल ब्रिज के वेजाइनल डिलीवरी में देखने को मिलते हैं प्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है ब्रिज वेजाइनल डिलीवरी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है या फिर वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं सी स्टोर्नोक्डोमेस्ट्राइड हीमेटोमा भी हो सकता है एंड क्या होता है ना कि बेबी को खींचने में थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो कभी कभी नेक की एस्ट्रोनोक्डोमेस्टोड मसल जो होती है ना वो फट जाती है एंड ये डिलीवरी के कुछ दिन के बाद स्वेलिंग जैसे नेक में ये प्रजेंट प्रजेंट करता है तो आपको लगता है ना कि एस्ट्रोनोक्डोमेस्टोड मसल्स में ट्यूमर है इसलिए इसे सीरो ट्यूमर का नाम दिया जाता है बट ये एक्चुअली में ट्यूमर नहीं होता ये होता है हिमाटोमर एंड इसका एक और नाम है फाइब्रोमेटोसिस कोलाई तो ये लेफ्ट के कम्परिजन में ना राइट साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है सी एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है जो ब्रिच में होती ही है चाहे आप नॉर्मल वेजाइनर डिलीवरी करें या फिर सीजेरियन सेक्शन करें दोनों में ही हो सकती है वो है हिप डिस्प्लेशिया इसमें क्या होता है ना कि हेड ऑफ़ द फीमर जो होता है ना हिप बोन के सॉकेट में अच्छे से नहीं बैठता है एंड जब ये बेबी चलना स्टार्ट करते हैं तो इसे चलने में प्रॉब्लम्स होती है एक और प्रॉब्लम हो सकता है फीटल जेनेटल ट्रैक्ट इंजुरी हो सकता है ब्रिज के विजाइनर डिलीवरी में ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशन एंड कम्प्लिकेशन ऑफ द फोर्सेप्स एंड वैकम सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन काइंडली डू सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ रीचेज यू ओके थैंक यू